जय श्री राधा माधव। नाम लेने से ही भगवान एवं महात्मा दोनों प्राणों से बढ़कर प्यारे लगने लग जाएंगे। निरंतर भगवान का जप कीजिए। कोई भी आवे कम से कम बोलकर उसका सत्कार कर दीजिए। फिर कंजूस के धन की तरह एक एक क्षण में नाम लेने में लग जाएं। इसके बिना महात्माओं का सच्चा रूप समझने में आना कठिन है। जितना अधिक भजन कीजिएगा उतना ही अंतकरण में भगवान एवं महापुरुषों का सच्चा रूप चमकेगा। एक ही दवा है निरंतर नाम जप। जहाँ तक हो कान से सुनिए। सत्संग का फल भजन और भजन का फल सत्संग, ये दोनों क्षण क्षण में बढ़ते रहने चाहिए। सारी कमी भजन की है। यों तो भगवान एवं महापुरुष जब चाहें उसी क्षण वे आपको अपने समान बना ले सकते हैं, पर यदि आपको बना लें तब फिर भजन करने वाले के प्रति अन्याय होगा। जो दिन रात भगवान का नाम लेकर उन्हें याद करके आंसू बहाता है उसका सम्मान कम हो जाएगा। संत की कृपा पूर्ण है। अंतकरण मलिन होने के कारण ही हम लोग उसे समझ नहीं पाते हैं। नाम लेने से जैसे जैसे अंतकरण शुद्ध होगा वैसे वैसे भगवान एवं महात्मा दोनों प्राणों से बढ़कर प्यारे लगने लग जाएंगे। फिर संत का संग इतना अधिक प्यारा लगेगा कि वियोग की संभावना से प्राण सूख जाएंगे। अभी अमुक अमुक स्थान प्यारे लगते हैं, फिर दिन रात वही स्थान प्यारा होगा जहां महापुरुषों का चरण टिकता है। आप में जितनी शक्ति हो उतनी की उतनी पूरी शक्ति लगाकर निरंतर भगवान का नाम लेने की चेष्टा कीजिए। पूरा तो उनकी कृपा से ही होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, श्रद्धा हेलिया नाम रटंती मम जंतवा तेषाम नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय ममा। हे अर्जुन, चाहे श्रद्धा से या बिना श्रद्धा के ही अपेक्षा से मेरा नाम की रट लगाने वाला मेरे हृदय में सदा वर्तमान रहता है। भागवत में आया है, जिसके मुंह में हे भगवान तुम्हारा नाम है उसने सब तपस्या कर ली, सब यज्ञ कर लिए, तीर्थ स्नान कर लिया, सब गुणों का संयम कर लिया, यहाँ तक कि वेद परायण भी उसने कर लिया। जय श्री राधा माधव।